गगहा थाने की पुलिस ने 11 जनवरी को थाना क्षेत्र में हुए भट्टा मालिक जय नारायण शाह उर्फ गुड्डू सेठ को गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्तों का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जमीन की बिक्री में पैसे के लेन देन को लेकर भट्टा मालिक की हत्या की गई थी, जिसमें एक महिला समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अच्छे लाल यादव पुत्र मुन्नर यादव निवासी ग्राम बौठा थाना जंगहा हाल पता ग्राम भस्मा गंगापार थाना बेलीपार अखिलेश यादव पुत्र बसंत यादव ग्राम पांडेपार थाना गगहा सरेंदु गुप्ता उर्फ गुड्डू पुत्र स्वर्गीय राम कलप निवासी ग्राम पांडेपार थाना गगहा कुशल कुमार यादव उर्फ दुर्गेश कुमार यादव पुत्र अच्छे लाल यादव ग्राम बौठा थाना जंगहा अजय कुमार यादव पुत्र अच्छे लाल यादव ग्राम बौठा थाना जंगहा और मनोरमा देवी पत्नी नौनाद निषाद निवासी बलुआ बुजुर्ग थाना गगहा के रूप में हुई है। इनके पास से 32 बोर का 2 नाजायज पिस्टल व 4 चक्र जिंदा कारतूस 2 नाजायज तमंचा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस 315 बोर व 1 बोर DBBL फैक्ट्री मेड बंदूक 12 बोर 4 चक्र जिंदा कारतूस 12 बोर व 1 बोलेरो वाहन बरामद हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा कहाँ मास्क 11 जनवरी को हुई थी गगहा क्षेत्र एक ईंट भट्टा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती दौर में परिजन भी ये मान रहे थे कि एक्सीडेंट है, लेकिन जब अस्पताल ले गए वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इन्हें गनशॉट इंजरी है और ये मर चुके हैं। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। इस सूचना पर उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर बनाम अज्ञात मुकदमा लिखा गया, लेकिन घटना के समय से ही आसपास उनके परिवार में कुछ लोगों को लेकर के आशंका थी। अगले दिन अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए एक तहरीर नहीं दी और पुलिस के भी जो मुखबिर तंत्र से सूचना थी उसके आधार पर 5 लोग प्रकाश में आए और एक महिला इसके पीछे षड्यंत्र में शामिल पाई गई। अभी 2 लोग ऐसे हैं जिनको घटना पर अंजाम देने के लिए हायर किया गया था, उनकी गिरफ्तारी शेष है। घटना के मूल में एक संपत्ति का विवाद है। ये मनोरमा देवी जिसकी गिरफ्तारी हुई है 120वीं की जो मुलजिम है, इसने अपनी जमीन बेची थी मृतक को, लेकिन कब्जा नहीं दिया था। और अच्छे लाल जो इस गैंग का सबसे मुखिया है, अच्छे लाल अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह इस जमीन में रंगदारी चाहता था मृतक से कि हमें भी इसमें चाहिए, क्योंकि मनोरमा देवी से ये जमीन हमने आपको दिलवाई थी तो मेरे पैसे भी होने चाहिए इसको। इसी बात को लेकर के इन लोगों के बीच टसन था और अंततः ये हत्या कारित हुई। सर, मनोरमा देवी वहीं रहने वाली है? मनोरमा देवी का जो मकान जो उसने बेचा था वो कौड़ी राम कस्बे में है और उस मकान को बेच भी दिया और अपने जेठ के लड़कों से उसमें कब्जा भी कराए रखी, खाली नहीं किया। अच्छे लाल से मनोरमा से क्या संबंध है? ये पैसा अच्छे लाल और मनोरमा के बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों के कुछ आपसी नाजायज संबंध भी हैं। जो है वो जैसी आम चर्चा है वहाँ कि उसके और अच्छे लाल के अंतरंग संबंध हैं। मनोरमा देवी की कुछ संपत्ति खरीदारी में भी अच्छे लाल ने पैसे भी लगाए हैं, लेकिन इस ज़मीन को लेकर के शुरुआती दौर में तो ये था कि मनोरमा देवी से चाहता था कि मुझे पैसा दीजिए। जब मनोरमा ने पैसे नहीं दिए तो इसने मृतक को ये कहा कि तुम उसे पैसा ना दे करके मुझे दो।
लेकिन मृतक ने उसे पैसे दे दिए। कुछ पैसों की डिमांड अच्छे लाल करने लगा कि मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर ये दोनों एक हो गए, अगर इसको रास्ते से हटा दें तो ये कांटा खत्म हो जाएगा, कब्जा लेने भी कोई नहीं आएगा और जैसे ज़मीन हमारे कब्जे में वैसे कब्जा बरकरार रहे। कितने पैसे मामला था? पैसे बात आ रही है कि 10 लाख रुपए की बात थी, कि 10 लाख रुपए और दो। तो इनमें जो अच्छे लाल है उसके पास से एक फैक्ट्री मेड गन भी बरामद हुई है जिसका वो बताता है कि हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन ये लाइसेंस नागालैंड का है। प्रथम दृष्टया जो है ये सस्पेक्टेड चल रहा है, इसकी भी जाँच कराई जा रही है। इसके अलावा 4 लोगों से तमंचे बरामद हुए हैं। शेष अभी हमारी विवेचना अंतिम बिंदु पर पहुंचना बाकी है क्योंकि इसमें जो शूटर इन्वॉल्व हुए हैं उसमें से एक व्यक्ति का नाम तो सामने आ रहा है, उसके आधार पर ये पता चल पाएगा कि अगले कौन लोग थे जिनको इन्वॉल्व किया गया था। अच्छे लाल भी गैंग चलाता है सर? कोई अच्छे लाल पुराना अपराधी है, इसके खिलाफ इसका लंबा आपराधिक इतिहास है, मुझे लगता है 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। और ये इसी जनपद के झगहा थाने का हिस्ट्री सीटर है।